एक दो तीन इतना बेस है ना यहाँ के सारे कबूतर ऐसे पागल हो गए। ये देखो फाइनली बड़े दिनों के बाद धूप निकल चुकी है और हम छत पे आ चुके हैं। अभी बज रहे हैं 5:40, हवा चल रही है 18 की। भाई साहब देख सकते हो पीछे से शायद आपको हवा का नॉइस आ रहा होगा, इसको शायद कुछ हो गया आज। बाकी गाइस आज मांझे का कलेक्शन दिखाता हूँ, देव अपना कलेक्शन लेकर आया फाइनली, पता नहीं कितने दिन से जमा कर रहा था। और अभी पतंगबाजी करते हैं क्योंकि अभी किसी ने उड़ाई नहीं है, तो सबसे पहले हम आसमान में टिका देंगे अपनी पतंग और फिर मचाएंगे भौकाल। चलो गाइस वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो गाइस अब हमें देव और तेरा नाम आपसे मैंने क्या रख दिया डीवीडी। पता क्यों? क्योंकि डीवीडी घूमती बहुत तेज लेकिन डेटा बहुत कम आता है, तो ऐसी तू है। तो गाइस अब अरे भाई पर कैसे उठा रहा है। तो गाइस देख सकते हो भाई साहब मांझो की लाइन लगा दी है। तू पहले ये बता कितने दिन से कलेक्ट कर रहा था ये, कितना टाइम हो गया जो गिनना पड़ रहा है? दो तीन एक महीने से। तो गाइस ये देखो ये तो मेरी चरखड़ी ओसवाल वाली, ये रहा अपना चरखी स्टैंड, ये कुछ पौने बचे हैं, यही लास्ट हमारे पास पतंगे बची हैं और अगर देव ने कटवाई तो हम पतंग नहीं उड़ा पाएंगे भैया ने। हाँ तो अभी हम वेट कर रहे हैं स्टॉक आने का, जैसे वो स्टॉक आ जाएगा फिर नया कलेक्शन आ जाएगा। बाकी आप मांझे चेक करो, देव के ये वाले मांझे, ये देखो ये तीन चरखड़ी लेकर आया है। हाँ एक दो तीन, और ये तीनों है रॉकेट चार तार पे, ठीक है ये रॉकेट की थ्रेड है तीनों। और जो एवरेज क्वालिटी होती है ना जो मार्केट में इस समय मिल रही है वो है, लेकिन इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। हमने इससे कल पेज काटे, देखो मतलब थ्रेड में इतना कुछ वो नहीं है, बाकी ये वाला थोड़ा ज्यादा अच्छा है। बाकी ये देव की कलेक्शन है ना भाई, क्या कर सकते हैं। बाकी ये रहा निंजा एज यूजुअल मेरा बरेली लॉयन, ओ सॉरी ड्रैगन। बाकी ये रही अपनी वर्धमान की सिद्धि, ये रही टेप्स और ये रहे पौने। चलो बाहर बाहर दिखा देता हूँ आपको आसमान कितना ज्यादा धूप धूप हो रही है। ये बच्चे आ गए हैं कुछ छत पे, इधर लोग बैडमिंटन खेलने भी आ ही गए होंगे, नहीं अभी नहीं है नेट बांध के चले गए हैं। और वो देख सकते हो नीचे जूम करके वो मेरे भाई ने एक्वेरियम बनाया छत पे। बाकी चलो गाइस कन्ने बांधते और आपको दिखाते हैं नजारे। यहाँ से अभी कावड़ निकल रहे हैं, आपको गानों की आवाज आ रही होगी, इसी रोड से निकल रहे हैं। ये देखो ये देखो ये ये कहाँ से आती है तेरे अंदर इतनी एनर्जी? धूप जादू धूप से ले, धूप से ताकत ले, धूप से ताकत लियो। तो गाइस बैकग्राउंड में कावड़ की आवाज आ रही है और पूरा माहौल बना हुआ है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बाल कटवा के? बाल तो कटते रहते हैं। वो नीचे आ रहे हैं, आओ आओ जल्दी जल्दी। अरे उधर है यार उस वाली गली में है गाइस, यहाँ से पतंग उड़ रही है भाई। बोरी हैवी सिस्टम लगा के लोगों ने, JBL के तीन दो तीन स्पीकर होंगे, दो हैं और पहला अपोनेंट हो रहा जो कि इनकी है पतंगे। कितने कबूतर आ गए, अरे शिट, मैं कबूतर का झुंड उड़ रहा हूँ तो काट मत कर लिया करो। और कम से कम चाइनीज मांझा उड़ाओ गाइस, धागे पे शिफ्ट हो जाओ क्योंकि बाद में धागे जब बैन हो जाएगा फिर तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ट्रिक नहीं आती होगी उसकी। चाइनीज या प्लास्टिक मांझे से इसके ऊपर आते हो तो भाई आपको ट्रिक समझने में थोड़ा सा समय लग जाएगा, क्योंकि उसमें धागे वाले मांझे में बस ट्रिक का ही गेम होता है। यस स्किल्स स्किल्स। रेनबो स्कूल रेनबो स्कूल, हां अंदर का चक्कर और ये भाई साहब गद्दा मार दिया। पौना था भारी वाला, और देखिए पतंग देख, ये देखो गाइस ये देखो बिल्कुल मतलब एकदम क्या बताऊं बिल्कुल टाइट हो रखी है पतंग इस समय। वो देखो टॉप पे हमारी पतंग आ गई है। चलो गाइस अब कोई और उड़ाता है तो आज हम खैर जल्दी आ गए, कोई और उड़ाएगा तो फिर देखते हैं पेचबाजी पेचबाजी। ये देखो डील कैसे डाल रहा है। हां डील देखो डील देखो, ये देखो फुल स्पीड। बच्चे देखो कितना भयंकर नाच रहे, इधर ना कावड़ यात्रा जा रही है और अभी उस साइड से राइट से लेफ्ट साइड से देखो ये तो ठीक है भैया के फैन है। अभी बैकग्राउंड में गाना बज रहा है बहुत बेस में भाई,
इतना बेस है ना यहाँ के सारे कबूतर ऐसे पागल हो गए, मतलब पेच आपस में लड़ा रहे हैं। अब देखो उधर से कहीं साउंड आ रहा है और इधर से कावड़ यात्रा निकल रही है, पहले यहाँ से निकली थी यहाँ से। तो बस ये देखो ये देखो। तो गाइस अभी 4-5 दिन से लगातार कंटीन्यूअस बारिश चल रही थी जिसकी वजह से मांजो के अंदर एक नमी सी आ गई, क्योंकि ये कॉटन का थ्रेड होता है जो कि मॉइस्चर को अगर एयर में मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेता है। तो अब हम जैसे आज थोड़ा सा धूप निकली हुई है भाई, हाँ तो जैसे आज धूप निकली हुई है तो हम इनको थोड़ा धूप दिखा देंगे। 10-15 मिनट में इनकी अंदर की जो क्या बोलते हैं उसको पावर है वो वापस आ जाएगी, इनकी जी फोर्स। तो गाइस भैया का पहला पेच और दूसरा पेच था, सॉरी आज थोड़ा खींच के पिछड़ाएंगे तो मैं थोड़ा सा एंगल सेट कर लूं। चलो भाई गद्दा कितनी तेज नीचे गया वो जर भाई साहब, ये देखो मुझे लग रहा था कट जाएगी और मैंने कहा नहीं अब मारना तो गद्दा ही मारना। सर के ऊपर भैया पेट लड़ाने वाले हैं, ग्रीन पतंग आ गई है सर के ऊपर, ये रही ग्रीन, और इसको हम अब इसके नीचे से लड़ाएंगे। ओरे भाई गाइस ये तो छूते क्या, मैं खींच मारते क्या सर के ऊपर पतंग आ गई। तो कभी भी अगर आपके खींच मारते वक्त सर के ऊपर पतंग आ जाए तो कंटिन्यू मत करना खींच, क्योंकि पतंग जान छोड़ देती है वहां, जैसे ये दो तुम के मारो गेम होगा। और हम थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं, हम आज आजकल कम ही मारते हैं। गाइस गलती बताता हूँ, जब मैंने गद्दा मारने की कोशिश करी मुझे जाना था ऐसे नीचे की तरफ, लेकिन वो ऐसे चले गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अब वीडियो को बैक जाके एक बार फिर से देखो, उसकी पतंग खड़ी थी, अरे भाई यस थोड़ा साइड, हमें नीचे जाना चाहिए था। चलो गाइस नेक्स्ट पतंग उड़ाते हैं और इसमें गलती नहीं है। उसका देखो उसका देखो ये देखो ये देखो ये ओ भाई भाई खतरनाक भाई खतरनाक। तो गाइस रॉकेट लगा दिया है देव, पता नहीं कौन सा रॉकेट लाया किस कंपनी का, ये कुछ आइडिया नहीं है, बस ले आया और पतंग पार कर रहे हैं। काफी सारे बंदे आ गए देखो आसमान में, आप देख सकते हो आ चुके हैं। चलो गाइस अब डायरेक्ट पेज की तरफ चलते हैं और देव की कलाकारी दिखाते हैं आपको, कलाकारी कलाकारी। और मौसम देखो, अरे मौसम चेक करो भाई, ला 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 या। तो गाइस हम लोग लेफ्ट साइड से हैं, राइट साइड से अपोनेंट है, दोनों पतंगे पैरेलल हैं। अभी पेज बनने का था, आपको दिखाता हूँ। देव अपने इसकी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, राइट साइड वाला अपोनेंट है, लेफ्ट साइड वाला देव है, और दोनों पतंगे पैरेलल ही चल रही हैं, अभी एक के ऊपर कोई नहीं है। अब देव ऊपर जाने की उसकी कोशिश कर रहा है, देखो देव ऊपर रखी हुई है पतंग, उसकी पतंग राइट साइड में, पेच अभी बिल्कुल नहीं बना हुआ, दोनों सेपरेटेड हैं। अब देखो देव उसके ऊपर ले गया, ये ले गया ऊपर देव उसके, शायद ये ढील से लड़ाएगा या खींच से लाएगा, देखते हैं। देव ज़्यादा बेटर है, ढील से लड़ा ले, हाँ वही कह रहा हूँ। गाइस देखो चक्कर दे रहा है, देव की पतंग हवा छोड़ चुकी है, देखो देखो देखो। तो गाइस वो अपोनेंट उस घर से उड़ा रहा है, वो नीचे येलो वाला घर, वो वाला वहाँ वहाँ कहीं से उड़ रही है पेज की तरफ वापसी। अबे कट गई, अबे ये कब कटी, ये क्या हुआ गाइस पता भी नहीं चला पतंग कट गई। अबे उड़ रही है क्या, उड़ रही है क्या, अच्छा ये टावर पर अटकी हुई है, हम तो उसके ऊपर थे यार, तो ये तो तेरे को देखना चाहिए ना भाई। यार वो कैसे ले गया, दिमाग खराब वाली छत आ गई, क्योंकि जो पेच है समय काफी दूर है, नीचे वाली छत से क्या हो रहा था मांझा लटक के जा रहा था, थोड़ी दिक्कत आ रही थी, और दूसरा टाटा स्काई बहुत ज्यादा लग गया हमारी छत पे। बाकी चलो पतंग करते हैं हम पार, और निंजा की आखिरी रील की भी अंतिम घड़ी बची है, देख सकते हैं पतंग बहुत बढ़िया है, पौना है ये, हालांकि इतने छोटे पेचों के लिए पौना यूज नहीं करना चाहिए, बट आई हैव नो ऑप्शन लेफ्ट, क्योंकि मेरी सारी पतंगें खत्म हो चुकी है, मेरा पूरा बैग खाली हो चुका है, यही 3-4 पतंगें बची हैं।
दो तीन दिन में इनको करेंगे रीस्टॉक, 15 अगस्त की तैयारी भी शुरू करनी है अब जल्द से जल्द। चलो गाइस अब डायरेक्ट चलते हैं आपको पेज की तरफ। गाइस भाई का पेज स्टार्ट होने वाला है, वो भी पतंगे देखते पेज। यार झोल खा रहा है मंजा बहुत ज्यादा, लटक गया हमारा कहाँ। तो गाइस पे स्टार्ट हो गया, व्हील के लगने चाहिए वैसे तो ये लगा ही दो। कैचा नीचे से जो बंदा आ रहा है ये दिक्कत करेगा बस हमें। ले दो ले दो ले दो लेफ्ट में खींच दो। यश मैंने तेरे को क्या बोला था, मैंने क्या बोला था तेरे को? अबे यार सद्दी लजने के कारण हाथ में सद्दी उलझी और वहां पेज कट गया। यार ये जो चीजें हो रही है ना, ये काले कैसे आ रहे हो गाइस? मौसम चेक करो कितना अल्टीमेट हो रहा है गाइस। तीन बार, हर बार जितनी बार पतंग उड़ाई हमारी सद्दी तोड़ ली गई है, इसीलिए हमारी सद्दी की कंजप्शन इतनी ज्यादा है। अभी हमने एक भरवाया और तीन दिन में सद्दी देखो 400-500 मीटर उड़ गई होगी, 400-500 मीटर उड़ी होगी, 200-300 तो उड़ी गई होगी नहीं। और ये यस पतंग लेके रेडी, बाकी देखो सारी सद्दी तोड़ ली, इतनी ऊंची कर रखी थी पतंग। अगली पतंग पार कर रहे हैं गाइस। आसमान जैसे जैसे समय बीत रहा और बढ़ता जा रहा और पतंगबाजी इतनी ज्यादा होने लग गई, अब यहाँ पे मजा आ रहा है काफी। और बाकी ड्रैगन की पर्ची निकलने वाली है बहुत जल्द, और इसका कांटा ऐसा हो गया भाई, मतलब बता नहीं सकता मैं, अनएक्सप्लेनेबल। ये देखो अगर ये डोर उड़ानी है तो अब ढील कैसे आएगी, खत्म होने वाला है। चलो 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 गाइस, तो इन्होंने फिर से उड़ा ली है देव के अपना। ये पतंग बहुत है, ये देख देख सकते हो पर्ची फिर निकलेगी अभी। चल चल ढील दे ढील दे ढील दे ढील दे, फाइनल रील। अबे ये तो मेरे को, हाँ वैसे गाइस मेरे को मिक्स ब्रीड आया था, मेरे वाले में दोनों पर्चियां निकलती थी, इसमें दोनों के कंपोनेंट डले हुए। देखो एक लास्ट रील बची है, ये इसको बचा देंगे। निंजा और क्या नाम है, निंजा और ड्रैगन दोनों हमारे पास लास्ट रील बचे हैं। अभी हमारा मांचे का न्यू स्टॉक पता नहीं कब आएगा यार, कि बरेली में बारिश रुक जाए बस जल्दी से, मैं प्रे करता हूँ ताकि हमारा मांझा समय पर आ जाए। गाइस पेज की तरफ चल रहे हैं, बैक टू खींच, खींच के लड़ाएंगे सामने अपोनेंट है, और देखते हैं आगे एक दो और उड़ गई, एक दो क्या काफ़ी सारी उड़ गई, अब देखते हैं जहाँ एंगल बैठेगा। सो गाइस बैक टू पेज भाई, इसका ना मेरे ख्याल से ये भाग रहा है। देखो खींच की तेजी देखो भाई, पतंग देख रहे कैसी है। वो और एक जगह पतंग में लंगड़ मार रहे थे, बच्चे चिल्ला रहे हैं। अरे भाई यार ये क्या कैसा लग रहा है काट के, अच्छा लग रहा है भाई, मजा आ गया। ये देखो वो भाई साहब हाथ पे, ओ सवाल की सद्दी, भैया का जज्बा। चलो अब करेंगे दोबारा बैक टू गाइस, ये पेज देखो लगे नहीं भाई। अरे मैं तो बो बोलने वाला था, ना भी देख जाएगी उठे तो सही पतंग थोड़ी, उसकी पतंग किसने फंसा ली है, हल्की पतंग उठते ही एक तो हवा थोड़ी लग रखी है क्या, हवा में तो दिक्कत आई है, अब लगेगा तो तकनीकी दिक्कत, कन्नों में की कर दिया। बो बो
नहीं चल रहा देव की पतंग ऊपर है नीचे अपोनेंट है, लड़ा जा चलावा आ गई इससे ये सदी उलझाते था रोज। वो देखो वो देखो एक और हमारे सब्सक्राइबर आ गए हैं। ये गाइस कह रहे थे चैनल प्रमोट कर दो। चल भाई बैक टू पेज, देव की पतंग ये रही, नीचे रहा अपोनेंट, अब देखते हैं कैसे देव इसको टैकल करेगा। अरे देव क्या टैकल करेगा, देव को टैकल हो रहा पेज में। ऊपर जा ऊपर जा ऊपर वाले से कर लेते हैं। गाइस एक पतंग ऊपर भी आ गई है, ये देख सकते हो हम आगे हैं, वो पीछे से आ रहा है। कर लेगा ये, कर 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 डाल डाल खींचता बजा उसके ऊपर रख, वो काट दे। अरे खींचना कैसे काट देगा, चल 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 खींच 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 खींच। तो गाइस अभी उसके ऊपर रखने की कोशिश करी जा रही है, हवा नहीं है यार। चल 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 अबे रख तू उसके ऊपर, देख उसकी पतंग घुमक्कड़ है, कुछ नहीं होने वाला। चल 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 बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन, चल 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 बिल्कुल बहुत बढ़िया, रख रख अंदर की तरफ घुमा। यार फिर से पतंग नहीं घूम रही देव, एक देख ये देखो इसने क्या कर दिया, हट दे मेरे को आना पड़ेगा मार्केट में। क्यों आना पड़ेगा मार्केट में, फिर से एक पेच ही लड़ाया जा रहा, बताओ कौन तो दो। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, वो आ गया, जा खींच खींच हवा में खींच ऊपर, ढील पे चला, टाइट रख पतंग अपनी, पतंग टाइट रख, तो पतंग टाइट रख, खींच 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 मार खींच मार खींच मार खींच मार, फंसा उस पे, चल चल और खींच खींचता रहे 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 खींचता रहे, हम ऊपर आ गए, नीचे गद्दा मार, रख रख ढील चला ढील चला, लग गई उसके ऊपर, लग गया पेज गाइस, ये देखो। और ये अपने आप को पतंगबाज कहते हैं, ले बच्चे ने काट दी। गाइस देव डिप्रेशन में चला गया, इसकी दो पतंगें लगातार कट गई हैं, कह रहा भैया मुझे पार करने दो, पतंग नहीं लड़ाऊंगा कभी, सिर्फ पार करूंगा, तो कोई नहीं गाइस। और गाइस आज बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, ये आज हमारी आखिरी पतंग है और हमारा स्टॉक खत्म हो चुका है फाइनली। अब हमें पूरा स्टॉक मंगाने के लिए शायद हम कल पतंग ना उड़ा पाएं, क्योंकि स्टॉक हमारा 2 से 3 दिन में आएगा। तो देव अब वो पतंग नहीं उड़ा पाएंगे यार, अब आदत इनकी पड़ गई है यार। गाइज ये भी बड़ी समस्या है यार, मेरे एरिया में कोई ऐसी दुकान नहीं जिस टाइप की पतंगें बेचे, होनी चाहिए यार कोई। चलो गाइज अब डायरेक्ट पेज दिखाते हैं आपको, ये देखना गाइस सर पे चढ़ रहा है हमारे, ये पतंग अपनी सर पे चढ़ रहा है इसकी, भैया डंडा कहाँ गया पाई वाला, इसकी पतंग नीचे उतारते हैं। गाइज आज मेरा मूड ऑफ हो गया दो पतंग कटवाने के बाद, बहुत दुखी फील कर रहा हूँ यार, इनकी पतंग नहीं उड़ रही यार, ये भी बहुत कोशिश कर रहे बेचारे, और मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया दो पतंग कटवा के, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आज ही शुरू करा है, यस की जगह मैं अपने आप को फील कर रहा हूँ। चलो ये आ गया, ये रहा वो साफ शूटर जिसने मेरी अभी काट दी। अरे आप वही गलती कर रहे हो यार जो मैंने करी थी, तेल में मेरे में कुछ तो फर्क होगा, कुछ नहीं फर्क। चलो अभी देख लेंगे, तो इसी गलती में पेच निकालते हैं। तो गाइस जब पेज होगा तब दिखाएंगे। ओके बैक टू पेज, ऊपर से लड़ाने की कोशिश करो, नीचे से खींचता हुआ आएगा हमारे पास, कट गई क्या, ले भाई उड़ गई, कट गई, पता भी नहीं चला कहाँ कटी उसकी, कैसे काट दी उसने। अब बताओ यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ यार, वो खींच मारनी चाहिए थी ना, रुकना नहीं चाहिए था ना यार, आपने करा यार, वो कौन सा बंदा यार इसका, मंजे से बात नहीं हमारी गलती, देव इन डिप्रेशन, ये बात भी नहीं कर रहा, देखो गुमसुम हो गया, इसकी पतंग पता नहीं किसी ने काट दी, और ये भाई इतना सैड हो गया, क्या हो गया यार मूड खराब हो गया हाँ, ये चाइनीज वाले ना, बात चाइनीज की नहीं हमारी स्किल भी तो खराब थी, जहाँ 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 हमारी पतंग कटी हमारी भी तो स्किल्स में दिक्कत थी, एग्रीड और नॉट है, हाँ तेज नहीं सुनाई नहीं दिया कुछ हाँ। चल ठीक है यार, ये देखो टुडेज वीडियो, होप करता हूँ आपको मजा आया होगा, गाइस काइट फाइटिंग बहुत अल्टीमेट हुई है हमारी, कटी भी और हमने बहुत सारी काटी भी और बहुत सारी गलतियां भी सीखी। बाकी चलो गाइस फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, साइनिंग आउट।